जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। जी कल अभी दोस्तों मैंने आपके साथ बच्चे को शेयर किए थे जो हवेली के अंदर हमने शिफ्ट किए हुए हैं, और आज दोस्तों मैं कहीं गया हुआ था और जैसे मतलब मैंने आया हूँ, मैं दरवाज़ा खोला बच्चों का, फ़ौरन से बच्चे उड़े हैं, भूखे प्यासे थे, सुबह के कोई दाना शाना नहीं डाला हुआ था जी हमने बच्चों को। और मैं मतलब अभी आया था थोड़ी देर पहले दोस्तों, तकरीबन घंटा लगा लें एक हिसाब जो है ना वो हो रहा है, और बच्चों को खोला है जी, और बच्चे जो है ना वो जनाब निकलते समय जो है ना वो उड़े हैं एकदम से ऊपर बैठे हैं, और मैं दाना शाना उनको डालने लगा, मैं ऊपर चढ़ा के चले उनको नीचे उतार दिया, और सारे के सारे बच्चे जी उड़ गए थे, और मोला जट मैं बना हुआ हूँ ये देखें जी, और डंडे के साथ इनको छेड़े छुड़े करवा रहे हैं बच्चे दोस्तों, कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है, इसी तरह से जी घूम घाम रहे हैं और घर कोई नीचे बैठ रहे अभी तक। ये देखें एक जनाब का पुत्र ये बैठा हुआ है, ये देखें दरख्त के ऊपर जाके चढ़ गया ये कालू बच्चा, एक तो एक ब्लैक बच्चा ये चढ़ा यहाँ पे, और एक कालू बच्चा यहाँ पे जाके गिर रहा था जी, और पर बांधे हुए हैं आपने जिस तरह से देखा था जी, और मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह से हमने, तो इसी तरह से बच्चे जाया जुया कर लेने हैं जी। ये बेटी दोस्तों जा रही है, ये देखें ये बेटी जा रही है कबूतरों को पड़ती है जी। तो बाकी दोस्तों अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल में 5 बच्चे जो है ना वो मतलब कम है, ठीक है, जो कि 5 बच्चे अभी हमारे नहीं नजर आ रहे, पहले तो एकदम ऊपर को बच्चे गए हैं बंदे हुए, बच्चे इतनी हाइट में मतलब पता नहीं कैसे चले गए थे जी। ये देखिए ये उड़ के आ गया, तो ये बैठ गया, ये माशाल्लाह से कालू तो आ गया जी, ये बैठ गया यहाँ से होके आ गए, इसी तरह से भटके हुए हैं बच्चे। और यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ, यहाँ पे हम इस डंडे को रखते हैं जी, ये आ गया एक और आ गया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह 2 बच्चे दोस्तों आ गए हैं जी, यानी कि 3 बच्चे हमारे जो है ना वो पीछे रह गए हैं। ये देखें अब ये पता नहीं कहाँ पे अब बैठा हुआ था, बाकी ये भी माशाल्लाह से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, अब पीछे जो है वो मतलब 3 बच्चे रह गए हैं जी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी इस तरह से उड़ के आ जाए, मैं बाहर जाने लगा था आपको, बाहर से जो है ना वो दिखाने लगा था कि कहीं साइड में बैठे तो नहीं, तो एक वहाँ पे जाके बड़ी दूर तारों पे एक बच्चा जी बैठा हुआ है, इधर मैं दरवाज़ा खोल के बाहर जाता हूँ जी, बड़ी दूर दोस्तों यहाँ से नजर आ रहा है तारों के ऊपर जो है ना एक बच्चा बैठा, और खेत शेत हैं ये देखे, और दूर दूर बड़ी बच्चे जा रहे थे जी कभी इधर को कभी इधर को, और वो व्यू आपको दिखाने वाला था, बाकी यार हर बंदा अपनी मतलब सोच का मालिक है, वो फिर कुछ भाई गलत कमेंट करते हैं कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, और हम जी कबूतरबाजी को जो है ना थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए इंजॉय करने के लिए जो है ना वो करते हैं, क्योंकि कबूतरबाजी जो है वो इंजॉय ही करनी चाहिए, ठीक है। वो देखें वो बच्चा सामने बैठा हुआ है जी वो तारों के ऊपर, और ये तारों के ऊपर जनाब बैठा है, और ब्लैक बच्चा जो है वो भी इसी के पीछे, वो कालू बच्चा एक बैठ रहा था अब वो पता नहीं कहाँ पे बैठ गया, इसी तरफ जो है ना वो जाके उड़ रहा था, वो देखें तो वो तारों के ऊपर एक बच्चा जी चढ़ गया। तो बहरहाल दोस्तों ये देखें ये मालदारी जो है ये हमारी कहाँ कहाँ पे जाके लगी हुई है जी, तो ये देखें वो ऊपर भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चे जी बड़ा तंग किया आज दोस्तों, और मैं देखे कहाँ कहाँ पे जाना वो दलील हो रहा हूँ इनके पीछे ताकि जाना कट्ठे किए जाए। अच्छा जी एक कल हमारे भाई का कमेंट आया था, और वो बड़ा जी अच्छा भाई ने कमेंट किया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वो चीज, वो जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जरा जाके अंदर, ठीक है जी। और कुछ भाई जो है वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे आप मतलब सोया करें, यहाँ पे चोरी डकैती वाला मसला होगा फलां फलां, तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद सोते हैं, ये चार पहिया आपको नजर आ रही है मेरी, और यहाँ पे हम डोगी शोगी रखेंगे इंशाल्लाह, अपनी पूरी सेफ्टी करेंगे, कैमरे शैमरे लगाएंगे जिस तरह से हमने घर में लगाए हुए थे, अभी बस थोड़ा बहुत जो है ना वो कर रहे हैं अभी, तो इंशाल्लाह ये तो थोड़े से बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, तकरीबन 15-20 बच्चे हैं अभी, इंशाल्लाह बच्चे हम काफ़ी ज़्यादा छोड़ेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे तकरीबन बच्चे मैं 70 से 80 बच्चे ही इंशाल्लाह जो है ना अपने घर के यहाँ पे छोड़ूंगा, क्योंकि शो करेंगे यहाँ पे और इंशाल्लाह बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि घर से ख़त्म करना है फिर, और बाहर वाला कबूतर नहीं घर में हमने जाना मतलब यहाँ पर ला छोड़ना। और एक भाई का कमेंट आया जी, ठीक है, वो भाई की मैं मतलब बात से बड़ा सहमत हूँ, पहले नंबर पर आपको दिखा दूँ कि ये खुड्डा है ना, मेरा जहन बन रहा है यहाँ पे एक छोटा सा जाल जो है ना यहाँ पे फिट करने का, ताकि बच्चे जो है ना मैं मतलब जिस तरह आज नहीं था घर में, तो इनको फिर बाहर आने में दाना खाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, वो जाल में आएंगे दाना पानी खा के अंदर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा व्यू बन जाएगा इनके घर का कि ये हमारा एरिया, क्योंकि अब यहाँ से बच्चे उड़ते हैं ना और किसी भी छत पर जाके चढ़ जाते हैं जिस तरह का काम बना है, क्योंकि छतों जैसी छतें हैं जी, इसलिए जाली जुड़ी वाला तो सिस्टम नहीं यहाँ पे। और जो भाई ने कमेंट किया हमारे ने वो ये बताया कि यहाँ पे आप जो है ना एक मतलब लगाएं वो टॉप, ठीक है जी, दीवार के साथ बहुत बड़ी सारी, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी,
इंशाल्लाह ये सोच मैंने सोची है। और ये टॉप लगाने वाला मेरे दिमाग में नहीं आइडिया आया था, और ये जिस भाई ने बोला है जी उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए इसी तरह से होती है कोतरबाजी, जिसको ना पता हो थोड़ा सा बंदा समझा देता है, एक्सप्लेन करता है, फिर काम सेट रह जाता है। और यहाँ पे हम इंशाल्लाह ऊपर को थोड़ी सी करके बांस से इंशाल्लाह नीचे इसके सोएंगे हम जमीन के वहाँ पे एक, और यहाँ पे दोनों मतलब इस तरह करके ऊपर को और ऊपर टॉप शॉप लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर जो है ना वो सही काम सेट रहेगा जी। और कबूतरबाजी भी इंशाल्लाह फिर अच्छी होगी, ठीक है जी। और कालू बच्चे का मुझे टेंशन लगी है, वो यहाँ पे चला गया, वो तारों वाला तो जो है ना वो तो उड़ के आ जाएगा इंशाल्लाह, तो जो दूसरा है ना उसने काम खराब किया। तो बच्चे दोस्तों सारे उड़ गए थे, ठीक है, काफ़ी बच्चे उड़े थे इनमें, मैंने थोड़े से लूज़ किए हुए हैं ना आज, इनको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा चले ऊपर नीचे थोड़ा सा होते रहेंगे ना, जितना ऊपर नीचे होंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब बच्चे लगे। अब ये देखें आओगे सामने, पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ के आ रहे थे, एक वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था जाके जी, ठीक है, उस दरख्त के ऊपर बैठा था एक, वो फिर उड़ के आया, ठीक है, और एक इधर बैठा था वो उड़ के आया, वो आपके सामने, एक पता नहीं इधर कहाँ से हो गया है उड़ के और आके चढ़ गया जाल के मतलब जाल के ऊपर, सॉरी जाल के मतलब घर में सिस्टम बनाया हुआ था ना, इसलिए जाल ही मुंह से निकल रहा। तो वैसे जाल किसी की तरफ बच्चों ने मुंह नहीं किया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मतलब उन्होंने जैसे ही पले हैं तो वैसे यहाँ पे आ गए हैं, और जाल की तरफ जाना मुंह नहीं किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होंगे हमारे कोई भी बच्चे जी, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। और जो वहाँ पे तारों के ऊपर बैठा हुआ है उसका भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगा जी। बाकी यहाँ पे टॉप जो लगाने वाला काम है ना वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और ज़रा बच्चों की गिनती शिनती करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कि बच्चे वाकई दो रह गए हैं या तीन रह गए हैं, कितने बच्चे रह गए हैं। दोस्तों मैं छत पे आया था बच्चों की गिनती करने के लिए, और ये देखें ये जनाब कालू बच्चा आ रहा है उड़ के, ये देखें जी माशाल्लाह से, आजा आजा शहजादे इधर आगे को आजा, ये देख ये हैं बच्चे, ये दोस्तों देखे जाल के गिर्द जा रहा है, ये देखे, और ये बाहर तो पे चढ़ने लगा है, वो देखे जी नहीं बैठा नहीं अभी भी कहीं भी नहीं बैठा, और वो देखे तार के पास से होकर गुजरा है, जहाँ पे वो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था ना वहाँ पे से पास से होके आ रहा है, सीधे ही आ रहा है, ये देखे सीधे ही आ रहा है। यार तुम तो थोड़ा सा उड़ो शुड़ो, यहाँ से दोस्तों होके गया, ये देखे बच्चा बिल्कुल हवेली के पास से होके गया, और ये देखे तकरीबन आ ही रहा है अब तो यहाँ पे सीधा ही आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये आ गया दोस्तों अब छत के ऊपर आया जी सही बच्चा ये वाला, और उम्मीद है कि अब जो है ना वो बैठ भी जाएगा। ये देखे ज़रा मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे होके दोस्तों एक साइड में जो है ना मैं बैठ जाता हूँ, ये बच्चे नीचे जा रहे हैं, और ये जनाब आ गया, ये देखे ये जवान का पुत्र आ गया जी, आ गया ये देखे माशाल्लाह से, ये देखें दोस्तों अब इसको पता चल गया घर का सही सीधा, ये देखे ये सीधा जी आगे लैंड कर गया है, ये अभी बैठा नहीं था कहीं भी ये जी, और सीधा दोस्तों आगे जी देखे घर बैठा है जी माशाल्लाह से, और पार्सल छोड़ गया ये नज़र आ रहे हैं आपको जिस तरह से जी, ये देखे पार्सल छोड़ गया जी, अभी चंद दिन दोस्तों अभी बच्चों को छोड़े हुए हैं, ये देखे इस तरह से उड़ जाते हैं, ये देखें ये नज़र आ रहे हैं जी, ये इस तरह से बच्चे जी उड़ जाते हैं, और ये नीचे बच्चे अब दाना शना खा रहे हैं, देखे अभी भूखे प्यासे हैं जी, कोई चीज़ नहीं खाई हुई, ये देखे ये कालू भी नीचे चला गया, ये देखें। तो बहरहाल दोस्तों मैं ज़रा गिनती करता हूँ, तीन बच्चे ये ऊपर भी बैठे हुए हैं ना आपके सामने, और नीचे जाते हैं फिर बाकियों की गिनती करते हैं कितने बच्चे रह गए हैं। मैं तो छत पे आपको ये दिखाने के लिए आया था कि कितने बच्चे रहते हैं, और तारों वाला जो है वो देखे अभी भी तारों के ऊपर दोस्तों बच्चा जाना वो मतलब बैठा हुआ है, तो बहरहाल जाके उसका भी ज़रा मैं ना हिसाब लगाता हूँ, तो इनको ज़रा जो है ना मैं गिनती कर लूँ कि कितने बच्चे अभी काम है। लें दोस्तों ये एक बच्चा रह गया था जी, और ये भी माशाल्लाह से आ गया, ये देखें जी, हाँ हूँ बह जाएगा ये दोस्तों हमारा भाई एक पूछ रहा था कि ये बैठ जाएगा अब, और ये देखे ये तारों के ऊपर बैठा हुआ था, ये देखे ठप्पे छापे मार के बैठ रहा है, ये देखे जी माशाल्लाह से दोस्तों सीधा अपने घर बैठ गया जी। मैं इसको उड़ाने जा रहा था कि चले इसको उड़ा के आता हूँ बाकी यार बड़ी अच्छी किस्मत रही है हमारी जी, बच्चे माशाल्लाह से हमारे पूरे हो गए हैं जी, ये लास्ट वाला बच्चा यही रहता था, और ये चीज़ है जी जालों के जो नहीं लगे बच्चे ये बड़ा बेनिफिट है जी। वैसे थोड़ा सा वो करेंगे चेंजिंग, वो जिस हमारे भाई ने बोला हुआ है इंशाल्लाह वो सारी हम जी चेंजिंग शेंजिंग जो है ना वो लाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ से दोस्तों हम जो है ना अंदर जाते हैं, ज़रा बच्चों के वाले से देखते हैं और गिनती करते हैं साथ में अपने सारे भाइयों को, ज़रा करवाते हैं। ये कालू था, ये देखे जो पानी पीने लगा, मतलब दरवाज़ा आ गया, आज अच्छा इंटरटेनमेंट हुए हैं जी, ठीक है जी आज अच्छा इंटरटेनमेंट हुआ है। वो दूसरा बच्चा कहाँ गया जो वहाँ पे तारों पर बैठा, सीधा नीचे बैठा है आके,
कौन सा था इनमें, पता नहीं कौन सा था। बहरहाल दोस्तों बच्चा सीधा आगे बैठा, मुझे तो ये लग रहा है ये वाला लग रहा है वो बच्चा जो जा रहा है ये बड़ा, ये वाला। ये हमारे 25 नंबरी जोड़े का है जी, जो हमारा 25 नंबरी आपने देखा हुआ है माशाल्लाह से, उस जोड़े का। अब जरा मैं बच्चों को जरा इकट्ठा करता हूँ जी, और फिर हम गिनती शिनती जो है ना वो मारते हैं और देखते हैं कि अब बच्चे जो है ना वो कितने कम है, ठीक है। फिर मैं अक्साशीर करता हूँ जरा ऊपर से भी सारे बच्चों को नीचे उतार के ले आऊँ जरा। दोस्तों बच्चे हमारे जी माशाल्लाह से पूरे हो गए और अब शाम का अजानों का टाइम जी हो गया, और बच्चे भी देखे ना अंदर को जा रहे हैं। अभी दाना मैंने जाना इनको डालना था, ये देखें जरा मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी दाना खा रही हैं, और इनको भी हम जो है ना वो दाना शाना खिलाते हैं। ये 42 नंबरी का जी उड़ गया था, ये हमारा 42 नंबरी का साथ में कालू, और ये वाला जी ये उड़ा था एक, और 16 नंबरी का उड़ा था, और इसके साथ एक और कालू उड़ा था वो देखें, ठीक है जी। ये बैठा हुआ है जो कालू, वो ऊपर से आके बैठा था ना, वो कहाँ कहाँ पे जाके दोस्तों गिर रहा था, ये देखे अभी इसके पार्श जो है ना नीचे लटके हुए हैं। तो बहरहाल जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा जी व्यू आज का, माशाल्लाह से बच्चों ने बड़ी अच्छी अकल दिखाई है, कहाँ से उड़े हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, ना कोई यहाँ पे दोस्तों जाली शाली लगी है, ना कोई निशान दही है, दरख्तों दरुख्तों पे तारों तुरों पे बैठ बूढ़ के जो ना बच्चे हमारे माशाल्लाह से अलहमदुल्ला पूरे हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जरा आने का टाइम हो गया, बाकी मैं जरा इनको दाना शाना डाल के तो अंदर करने लगा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने बाइक दे जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।